बीएसटीसी परिणाम से जुड़े समस्त साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आपकी इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं। जैसा कि कल ही शिक्षा मंत्री जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके ये बता दिया था कि आज 12:15 बजे आपका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों, आज 12:15 बजे शिक्षा मंत्री जी श्री डोटासरा शिक्षा संकुल से आपके इस परिणाम को जारी करेंगे। तो ये बिल्कुल सुनिश्चित हो चुका आपके लिए कि आज आपका परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा। साथियों, न्यूज़ आपको दिखा देते हैं। ये स्पष्ट आप देख सकते हैं कि अब न्यूज़पेपर ने भी कह दिया है और सभी न्यूज़पेपरों में आ चुका है कि प्री डी एल एड परीक्षा का परिणाम आज जारी होगा और शिक्षा राज्य मंत्री शिक्षा संकुल से इसे आज जारी भी करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है साथियों, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बुधवार को शिक्षा संकुल स्थित सभागार में द्विवर्षीय अध्यापक शिक्षा प्रवेश पाठ्यक्रम प्री डी एल एड परीक्षा 2019 के परिणाम को 12:15 बजे घोषित करेंगे। यह परीक्षा 26 मई को सभी 33 जिलों के 2212 परीक्षा केंद्रों पर प्री डी एल एड परीक्षा पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर की ओर से आयोजित कराई गई थी। आपको बता दें, इस परीक्षा में कुल 7,51,127 छात्र पंजीकृत थे, लेकिन उपस्थिति केवल 92.47% ही रही थी और कुल 6,94,576 अभ्यर्थियों ने ही यह परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में यदि कुल मिलाकर एब्सेंट की बात करें तो 56,553 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे थे। तो साथियों, इस प्रकार से स्पष्ट हो चुका है कि 92.47% छात्र उपस्थित रहे। कुल लगभग 7,00,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में उपस्थित थे। तो इस प्रकार से आज ही आपका परीक्षा परिणाम 12:15 बजे जारी होने वाला है। तो आप बिल्कुल परिणाम के लिए लेकर तैयार रहें और अपने रोल नंबर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका परिणाम 12:15 बजे आने वाला है। इसके साथ ही साथियों, एक बहुत ही आवश्यक सूचना है, आज 12:15 बजे परिणाम जारी होने के बाद में आगे की प्रोसेस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको किस प्रकार से अब रजिस्ट्रेशन कराना है, कितने मार्क्स आपके आए तो आप रजिस्ट्रेशन कराएं, या फिर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको कॉलेजों का चयन कैसे करना है, राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, गवर्नमेंट कॉलेजों में सीटें कितनी हैं, क्या आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज में बीएसटीसी करने के फ़ायदे क्या हैं, और आपको होम डिस्ट्रिक्ट का विकल्प कितने मार्क्स पर चुनना है, और कितने मार्क्स तक आपको राजस्थान में कहीं भी कॉलेज मिल सकता है। इन सभी प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो इनसे संबंधित वीडियो हमने कल ही बना दी थी और उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर पीछे एंड स्क्रीन में, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी आपकी बीएसटीसी प्रक्रिया से संबंधित कोई क्वेरी है, जिज्ञासा है, तो साथियों कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट के रिप्लाई के आधार पर मैं वीडियो बनाऊंगा और आपकी इस संपूर्ण प्रोसेस को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। साथियों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना। साथ ही यदि हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यह राजस्थान के बेरोजगार परीक्षार्थियों से जुड़ा हुआ चैनल है जो कि समय समय पर आपके लिए शिक्षा और रोजगार से संबंधित ताज़ा अपडेट्स लेकर आता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले